Hi everyone, myself Vivek. Today I'm going to tell you of something very important. I'm not going to review any product or going to tell you to buy this product or that product, anything. जैसा टाइम चल रहा है आप भी समझ पा रहे हो कि कितना डिफिकल्ट है सबके लिए इस कोरोना एरा में. एंड बहुत लोग को ये भी नहीं पता है कि खुद की प्रिकॉशंस कैसे लेने. अब घर में रह के भी बहुत अच्छी तरीके से खुद का केयर कर सकते हो. एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. मतलब कोरोना ऐसा नहीं है कि जिसको हो गया वो डेथ ही कर रहे हैं या बहुत सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उनको. प्रॉब्लम होने हो रही है जिनको मतलब कोरोना हो चुका है बट क्या है वो समझ नहीं पा रहे हैं कर्मा क्या है. डेट्स द इशू. तो आज हम लोग सबसे पहले जिस चीज़ पर बात करने वाले हैं वह पल्स ऑक्सीमीटर. पल्स ऑक्सीमीटर क्या है मतलब ये जानना बहुत ज़रूरी है और कितना इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में. इनफैक्ट आज सबके घरों में होना चाहिए पल्स ऑक्सीमीटर. मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा ये चीज़. अब कोई भी कहीं से जैसा भी मिलता है आप ले लो बट एक ज़रूर रखो. पल्स ऑक्सीमीटर में दिखाता हूँ आपको कैसा होता है एक्चुअली में, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करता है क्या नहीं करता है. पल्स ऑक्सीमीटर कुछ इस तरह का चीज़ होता है, आप देखे होगा. सी इसमें क्लैंप जैसा ऐसा होता है. इसमें हम फिंगर्स जो होता है वो फिंगर चलते हैं. फिंगर आप जनरली आप तो इंडेक्स डाल सकते हो, मिडिल डाल सकते हो, रिंग डाल सकते हो. ये मीन तीन फिंगर्स पे, राइट हैंड का या लेफ्ट हैंड का कोई भी, बट ये तीन फिंगर जनरली अच्छा वर्क करती हैं इनका. एक्चुअली होता क्या है इस पल्स ऑक्सीमीटर का मेन काम क्या, और ये कैसे आपके लाइफ सेविंग में हेल्प करता है. पल्स ऑक्सीमीटर यहाँ पे दो वर्ड है, पल्स प्लस ऑक्सी एंड थर्ड वर्ड इज अ मीटर. तो पल्स मीन्स जो आपके पल्स को भी मेजर करता है, पल्स और हार्ट रेट वो मेजर कर रहा है. सेकेंड वन इज ऑक्सी मीन्स जो ऑक्सीजन लेवल को सेचुरेशन, जैसे यहाँ पे SpO2 बोलते हैं, सेचुरेशन परसेंटेज ऑफ O2. एंड थर्ड मीटर जो मेजर करते हैं, जो भी मशीन मेजर कर रहे हैं इट्स मीटर. तो इसमें होता क्या है, जब भी कोरोना होता है तो उसमें क्या होता है एक्चुअली में कि देर इज अ सडन फॉल इन द सेचुरेशन लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी. डैट्स द प्रॉब्लम. और लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि उनके बॉडी के अंदर का ऑक्सीजन कम हो रहा है. ऑक्सीजन कम होने से क्या होता है कि हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं सब सेल फिर टिश्यू, तो जितने भी टिश्यू हैं सबको ऑक्सीजन तो चाहिए ना काम करने के लिए. अब प्रॉपर ऑक्सीजन को नहीं मिल रहा है तो क्या होगा कि एक एक पार्ट करके वो डाई करने लगेंगे. एंड फाइनली करके ये MOF मीन्स मल्टी ऑर्गन फेलियर, मतलब एक पार्ट काम नहीं किया वो फेल किया, ये दूसरा किया, तो ऐसे करके पार्ट्स काम नहीं कर रहे वो फेल कर रहा है और क्या हो रहा है उससे आदमी मर जा रहे हैं, डेथ कर जा रहे हैं. दैट्स द इशू. तो अगर हमें टाइम पे पता लग गया कि वी कैन कंट्रोल ये जो सडन फॉल इन ऑक्सीजन लेवल है उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं टाइम पे, तो ऑब्वियस बात है वी कैन टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ और जो भी हैं जान पहचान के. तो हमें करना क्या होता है कि जब भी हमें लगा कि कुछ जो भी अगर सिम्टोमेटिक कोरोना है या असिम्टोमेटिक है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा पता लगेगा. जैसे सिम्टोमेटिक है तो आपको खांसी हो रही या गले में खराश या फीवर आना या सर दर्द करना, ये सिम्टोमेटिक तो आपको पता लग सकता है क्योंकि आप किसी के कॉन्टैक्ट में हो के नहीं. आपको हल्का तो पता लग सकता है, कुछ ना कुछ चीज़ तो आपको क्लू मिल जाएगी कि अंदर से ऐसा लगने लगेगा कि हाँ शायद मैं एक बार चेक कर लूँ. तो आप इसे एटलीस्ट क्या है कि अपने फिंगर्स में लगाएं और ख़ुद को चेक करें. दिन में एटलीस्ट 4-5 बार ज़रूर करें और हमेशा चेक करें कि क्या लेवल है क्या नहीं है, वेदर आई एम सेफ और नॉट, डू आई नीड टू वरी, डू आई नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर. तो ये चीज़ आप खुद में जान सकते हो. द मेन क्वेश्चन इज कि रेंज क्या है भाई, मैं लगा तो लिया रेंज क्या है, मुझे कैसे पता लगेगा कितना पे क्या करना है क्या नहीं करना है. करेक्ट. तो पहले मैं आपको पल्स की रेंज बता रहा हूँ, पल्स के बारे में कि पल्स की कितनी रेंज होनी चाहिए. जनरली वेरीज फ्रॉम 60 टू 120 और 100 बोल लो. कई कोई
कई जने 100 बोलते हैं, कई जने 120 बोलते हैं। 120 क्या है और 60 क्या है? जब आप दौड़ के जब भी आते हो ना, तो आपकी हार्ट कितनी कितनी धड़कती है, तो उस टाइम में क्या होता है, पल्स आपका ज़्यादा होता है, तो उस टाइम में वो आपको ऑब्वियस बात है, वो 100 से ऊपर मिलेगी आपको, 100, 101, 102। और जब नॉर्मल जब आप सो रहे हो रात में, तो वो 65, 70, 80 इस रेंज में आपकी हार्ट होती है। तो दैट्स द रेंज। 62 अगर आपका 100 के करीबन में भी है तो दैट्स नॉर्मल, बट अगर 60 से कम जा रही है या 100 से ऊपर हमेशा रह रही है, तो ऑब्वियस यू शुड वरी, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर कि क्यों हो रहा है, क्या क्यों नहीं हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स। नाउ मूविंग टू सेकेंड वन इज ऑक्सीजन, SpO2। ऑक्सीजन की जो रेंज होती है डेट इज फ्रॉम 96 to 100। इफ इट्स बिटवीन 96 to 100 देन इट्स ग्रेट, इट्स गुड। 98, 99, 100 अरे तो बहुत अच्छा है, मीन्स आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा है, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी में कोई इशू नहीं, चलो ठीक है। फिर वरी फिर कहाँ करना है, क्वेश्चन ये है कि हमें वरी कब करना है। अगर आपकी 96 से कम जा रही है कभी कभी, तो आपको सचेत रहना है, मीन्स आपको अटेंटिव रहना है। अभी डॉक्टर उतना डरना नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ मशीन्स है ना, तो क्लियरली वो कभी कभी एग्जैक्ट नहीं बताता, तो इसीलिए 3-4 बार आपको मेजर करना है। बट अगर आपका हमेशा 96 से कम रह रहा है तो वरी करना, बट जब वो 92 से नीचे जाना, 94 से नीचे जाना लगे, मतलब 94 के नीचे ही रह रहा है, तो तब आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि 94 के नीचे अगर जा रहे हो तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। दिस इंडिकेशन कि यू शुड नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर, को जानना चाहिए। तो आप डॉक्टर के पास जाओ, देखो क्या है, क्या प्रॉब्लम है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको ऑक्सीजन दिया जाएगा बाहर से, देयर आर मेनी। आप हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ ऑक्सीजन मिल जाएगी, घर पे भी कर सकते हो, बहुत सारा चीज़ है। डिपेंड करता है कि किस रेंज का है वो, कैसा, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली फॉल कर रहा है या थोड़ा थोड़ा कर रहा है, तो उस वे में आपको बॉडी में ऑक्सीजन दिया जाएगा एंड यू विल बी ऑल फाइन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पल्स ऑक्सीमीटर। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली पल्स ऑक्सीमीटर में कैसा रीडिंग कैसा आता है, सो डेट आपको अच्छे से समझ में आए। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत आदमी को ये पता तक नहीं होता कि करना क्या है कोरोना में। कुछ जो एजेड लोग हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, नो डाउट। मीन्स डिफ़िकल्ट कहने का ये मतलब है कि उनकी इम्यून सिस्टम जो लिम्फोसाइट होती है वो कम हो जाती है, और कोरोना में या कोई भी बीमारी होती है, एक नॉर्मल सर्दी खांसी भी जो होती है, तो उसमें होता क्या है कि जो वायरस है वो अपने बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो अपना एंटीबॉडी उससे इम्यून सिस्टम जो उससे लड़ता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, तो अपना बॉडी लड़ता है, तो कुछ होता नहीं हमें। बट जो बूढ़े लोग होते हैं उनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता, वीक होता, तो बॉडी लड़ता भी नहीं है, तो एक नॉर्मल खांसी भी उनके लिए जानलेवा हो जाता है। तो कोरोना में तो आप समझ सकते हो कि इसका वायरस ये कितने पार्ट्स पे इफेक्ट करता है। अगर आपका बॉडी लड़ नहीं सकता है, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बट अगर आप एक यंग जनरेशन के हो, आप खा पी रहे हो अच्छे से, एंड यू आर स्ट्रांग मीन्स आप ठीक हो, मतलब ऐसा कोई बीमारी नहीं है आपको, तो इम्यून सिस्टम आपकी काम करेगी एंड एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, सो यू डोंट नीड टू वरी अ लॉट। बट हाँ, अटेंटिव ज़रूर होना है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना है, नहीं जाना है, फीवर हो रही है तो वो क्या करना नहीं करना, एक डॉक्टर से कंसल्ट में रहना, बट वरी नहीं होना है, क्योंकि पैनिक होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थिंग है। बस आपको ये होना चाहिए कि किस टाइम पे क्या करना है, कब हमें हॉस्पिटल जाना है, कब नहीं जाना है, क्योंकि आप भी जान रहे हो कि हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ इट एक्चुअली वर्क्स एंड हाउ टू मेजर और समथिंग, ओके। सो वेट, सी दिस इज़ ए पल्स ऑक्सीमीटर, ओके। तो इसमें हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले एक क्लैंप है, आप देख लो, तो ये ऐसे करना है क्लैंप, एंड इसमें अपने फिंगर को इंसर्ट कर देनी है, ओके। देखो दिस इज़ द वे, आप इसको सामने ऐसे रखा, दिस इज द राइट पोजीशन, आपको क्लियर दिख भी रहा होगा। देन इसे स्विच ऑन करो, ये आप देखो, इसमें देखो SpO2 आपको 98 दिख रहा है एंड PR BPM है 78। दिस 98 इज एक्चुअली द सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ O2,
एंड दिस 86 87 इज़ द हार्ट रेट और पल्स रेट। तो अभी 99 है तो ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट ये अगर फॉल करेगा आपका 94 के नीचे, देन आपको अटेंटिव रहना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये अगर आपका 100 से ऊपर हमेशा रह रहा है, कभी कभी ठीक है, बट आर ये आपका पल्स जो सबसे नीचे में है वो 100 से ऊपर हमेशा रह रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और 60 से नीचे रह रहा है तो भी कंसल्ट करना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अवर पल्स ऑक्सीमीटर। मैं आपको और कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा अभी कोरोना को लेकर, सो वेट। मार्केट में आपको दो तरह के पल्स ऑक्सीमीटर मिलेंगे, एक है जो विद अलार्म है, एक है जो विदाउट अलार्म है। तो विदाउट अलार्म बैटरी कंजम्पशन कम है, बट क्या है कि वो आपको हमेशा खुद से देखते रहना पड़ेगा, कब फॉल कर रहा है कब नहीं फॉल कर रहा है। जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी रात में ऑक्सीजन लेवल घट जाती है तो जनरली अलार्म वाले रखते हैं। आप रेगुलर बेसिस पे आपकी घट रही फिर नहीं रखोगे, वरना नींद टूटती रहेगी हमेशा। बट अगर आप इस कोरोना टाइम में हो और रात में आप नोटिस कर रहे हो कि हाँ सो रहा हूँ तो थोड़ी घट जा रही है पोस्चर के कारण, क्योंकि सोने पोस्चर भी बहुत मैटर करता है आपके बॉडी में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन में। तो अगर गलत पोस्चर में हो, ऑक्सीजन इसे जा रहा है तो ऑक्सीजन की लेवल घटेगी बॉडी में, जिससे SpO2 में थोड़ी डिक्रीमेंट आएगी, घटेगी वो। तो अलार्म वाला अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो उससे आपको एक सेट कर दो जहाँ पे आपको चाहिए, जैसे 94 डाल दो तो उसके नीचे जब भी जाएगी तो अलार्म वो आने लगेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पल्स ऑक्सीमीटर। थैंक यू, होप कि आपको कुछ चीज़ें बात समझ में आई होंगी, और अगर कुछ चीज़ें आपको लगता है कि और मैं बता सकता हूँ या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं या मैंने कहीं गलत बताया है तो डू कमेंट, मुझे बताएं। थैंक यू, स्टे ट्यून। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और बता पाऊँ कोरोना के लिए जो बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत सारी चीज़ें, इसलिए आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल कि सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट शुड वी डू, व्हाई नॉट टू पैनिक, वेन टू पैनिक। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, खासकर पब्लिक लोगों के लिए, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो जो इंतज़ाम हो जाता है, हम आपके लिए नहीं होता, बट हमें केयर तो करनी है खुद की। तो बस चलो, तब तक के लिए बाय।